ये असल में क्या है, ये लोगों को गुमराह करते। अभी इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी को इन्होंने लाए, इन्होंने कभी बोले कि हमने लाए? ये तो मैं पहले रोज से चिल्ला रहा हूँ। क्यों ये दोनों लीडरान मालेगांव के अंदर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई हमने प्राइवेट कंपनी को लाया? ये पुल 6 साल से बन रहा, आज तक के क्यों नहीं ये पूरा होता पुल? ये बुर्ज खलीफा का बन रहा क्या, दुबई का पुल? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्होंने पूरे शहर को, घर पट्टी का मसला है, इन्होंने ठहराव किए, एक कंपनी को इन्होंने ठहराव दिए और वो कंपनी ने ठहराव करने कर दी। मैंने असलम अंसारी को उस दिन बोला, क्या बेवकूफ़ समझते हो शहर के लोगों को, तुम ठहराव करके तुम देते और तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का बोलते हैं कि कमिश्नर केरपट्टी बढ़ा रहा, बढ़ाने वाले तुम, सब करते तुम, और केरपट्टी बढ़ाने का तुम बोल रहे कि कमिश्नर ने केरपट्टी बढ़ा दिया। ये इन्होंने ठहराव करके दिए थे नागपुर की कंपनी को, नागपुर की कंपनी ने ये ठहराव घर सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 3 गुना तुम्हारे को आप घर पट्टी आएंगी, ये शहर की हालत रहेंगी। ये करते सब है ये लोग, असल में क्या है, ये झूठ को इतनी जोर से बोलते हैं कि लोग सच समझे। ये इनका बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए ना, ये बार बार आते इक्तदार के ऊपर काम कर लेते, झूठ बोलते, सिंगापुर बना देंगे, ठेका दिए इन्होंने इसका सफाई का, 2 का 4 टेम इन्होंने विषय लिए। शहर की जितनी हालत खराब है ना सफाई के मामले में, इसके जिम्मेदार भी शेख रशीद फैमिली है। क्या दादा उसे खराब काम कर रहा, तुमने नहीं किए कि 5 साल का तुम्हारा अगर रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, सबे बारात के दिन कब्रस्तान के पास रोड बना, बड़े बोर्ड लगे और ईद के बाद वो रोड पूरा भह गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? दादा उसे खराब काम कर रहा तुम्हारा, तो तुम बता लो तुमने 5 साल इक्तदार के अंदर कितनी बदनवानी की है। अगर कुआ बोलेंगे तो भी बस नहीं हूँ, इनकी तो खाई बताना पड़ेगी इन्होंने इतनी बदनवानी की है सर। नहीं तो अगर होगा मैं चैलेंज करता इनको, तुमने लगाओ सामने आमने टेबल और तुम भी आओ, मैं भी आता, मेरे खिलाफ़ भी तुम बोलो मैंने क्या बदनवानी किया।